A very good morning to our student. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, we discussed a very important chapter, that is the last chapter of Part B, that is a cash flow statement. In this chapter, today we are discussing a last topic of this chapter, that is a proposed dividend. In the last video, we already discussed the accounting adjustment under the related to the proposed dividend in the cash flow statement. यानी last video में हम लोगों ने basically short में discuss किया था what is proposed dividend and हम proposed dividend का adjustment कैसे करते हैं cash flow statement में. तो आज के video के starting में first of all we discussed in detail what is proposed dividend, what is AS4 and how we will adjust the proposed dividend in the cash flow statement in the different three activities, that is the cash flow from the operating, investing and the financing activity. So first of all, please note down all the details given in this video from my side. Please note down in it your copy as well as in your mind, because it is a very important adjustment in the cash flow statement, because this adjustment is revised by the CBSE, by the accounting standard 4. बिकॉज पहले प्रपोज डिविडेंड को शॉर्ट टर्म प्रोविजन माना जाता था. एक शॉर्ट हम आपको डिटेल दे दें कि लास्ट ईयर से पहले यानी सेशन अकाउंटिंग सॉरी फाइनेंशियल ईयर जो आपका था, जो आपका अकाउंटिंग सेशन था, जो आपका स्टडी सेशन था 2019-20 में, ये चेंजेस हुआ है. उससे पहले प्रपोज डिविडेंड को माना जाता था, ट्रीट किया जाता था लाइक अ शॉर्ट टर्म प्रोविजन. बट अकॉर्डिंग टू द न्यू अमेंडमेंट इन द कंपनीज एक्ट 2013, प्रपोज डिविडेंड के लिए एक स्पेसिफिक AS कंस्ट्रक्ट किया गया, दैट इज AS4, और उस AS का नाम था इवेंट्स ऑकर्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट. बेसिकली होता क्या है, कुछ एक्टिविटीज या इवेंट्स ऐसे होते हैं जो रिलेट करते हैं हमारे प्रीवियस ईयर से, बट उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन हम प्रीवियस ईयर में ना लेकर बल्कि नेक्स्ट ईयर में लेते. जैसे सपोज 2019-20 का डिविडेंड हमें पे करना है टू द डिबेंचर, टू द शेयर होल्डर्स, स्पेशली टू द इक्विटी शेयर होल्डर. तो वहां ये प्रॉब्लम आती है कि हम इक्विटी शेयर होल्डर को तब तक प्रॉफिट नहीं दे सकते जब तक कि हमें अपनी एक्चुअल प्रॉफिट पता ना. एंड एक्चुअल प्रॉफिट कब पता चलेगी, व्हेन वी क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट, व्हेन वी प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी. फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनेगा, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, दैट इज द 31st मार्च तक तो डाटा मिलेगा, उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद पता चलेगा कि हमें कितना टैक्स देना है, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट कितना देना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम कितना डिविडेंड पे कर सकते हैं, उसके बाद जो बचेगा वो किसके लिए बचेगा, टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. सो जनरली यू नो वेरी वेल टैक्स भी हम लोग, उसमें भी कॉन्सेप्ट होता था प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का, कि हम जनरली असेसमेंट ईयर यानी कि नेक्स्ट ईयर में हम प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स देते हैं, क्योंकि वी आर नॉट अ गॉड, we are just like a human being. So you know very well, हम अंतर्यामी नहीं है ना कि हमको पता चल जाएगा कि अगले साल मेरी प्रॉफिट कितनी होगी, उसके लिए हम टैक्स भरते हैं करंट ईयर में. नहीं, प्रॉफिट हमें कब पता चलेगी, जब हम एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल ईयर क्लोज करेंगे, तो हमें अपनी इनकम का पता चलेगा, तो हम उस पर टैक्स देंगे. एज इट इज इक्विटी शेयर होल्डर को भी जब डिविडेंड पे किया जाता है तो वो भी पहले से डिसाइड नहीं होता है, बिकॉज यू नो वेरी वेल इक्विटी शेयर होल्डर को जो भी डिविडेंड दिया जाता है वो डिपेंड करता है कि कंपनी के पास कितनी प्रॉफिट अवेलेबिलिटी है. अगर कंपनी के पास सफिशियंट प्रॉफिट अवेलेबिलिटी है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो वो पूरा डिविडेंड दे सकती है. कम है तो वो डिविडेंड में कुछ कट कर सकती है. एक्सेस प्रॉफिट हो गया है तो अपने शेयर होल्डर्स को वो बोनस भी दे सकती है. तो दिस टोटली डिपेंड ऑन द कंपनीज फाइनेंशियल पोजिशन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. बट यू नो वेरी वेल कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं हमारे बिजनेस में जिनके बारे में डिसीजन लेना करंट ईयर में पॉसिबल नहीं होता है. उससे रिलेटेड डिसीजन हम करंट ईयर में ना लेकर बल्कि आने वाले फ्यूचर ईयर में लेते हैं. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. सो सच काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, सच काइंड ऑफ आइटम विल बी कंसिडर अंडर द AS4. AS4 इज टोटली बेस्ड ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट. द इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इज कॉन्टीजेंसीज और इवेंट्स ऑकर्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट. यानी कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ कॉन्टीजेंसीज ऐसी होती हैं जिनको हमें प्रेजेंट में पे करना जरूर है, बट उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन या उसके बारे में एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम नेक्स्ट ईयर में ही कैलकुलेट कर सकते हैं. सो कुछ साल पहले
मैंने जैसे बताया 2019-20 में अमेंडमेंट हुआ है आपके सीबीएसई के करिकुलम में, उससे पहले प्रपोज डिविडेंड विल बी टेकन एज अ शॉर्ट टर्म प्रोविजन, बट नाउ इट विल बी टेकन एज अ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। प्रपोज डिविडेंड को अब क्या माना जाता है? कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी माना जाता है, और उसको उस तरह से ट्रीट किया जाता है। कैसे ट्रीट किया जाता है, आइए उसी बात पर डिस्कशन करते हैं शॉर्ट इन डिटेल्स में। जैसे मैंने बताया कि प्रपोज डिविडेंड एक ऐसी एक्टिविटी है, नाम से क्लियर है, प्रपोज डिविडेंड, जो डिविडेंड हमने प्रपोज किया है अकॉर्डिंग टू माई अर्निंग। हम इक्विटी शेयर होल्डर को तभी डिविडेंड दे सकते हैं, डिविडेंड मीन्स प्रॉफिट ऑन शेयर, जब हमें अपनी कंपनी के एग्जैक्ट प्रॉफिट पता होगी, और एग्जैक्ट प्रॉफिट कब पता चलेगी? एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर के बाद हम जब बैलेंस शीट बना लेंगे, उसके बाद कोई भी एक्टिविटी करना है, इसका मतलब हम उसको नेक्स्ट ईयर में ना कर करंट ईयर में कर रहे हैं। यानी सिंपली वे में आप अपना कॉमन सेंस यूज करो तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा, सर इसका मतलब प्रपोज डिविडेंड जो होता है वो प्रीवियस ईयर का करंट ईयर में पे होता है, करंट ईयर का नेक्स्ट ईयर में पे होता है। इज दैट क्लियर? इन शॉर्ट वी कैन से दैट प्रपोज डिविडेंड पेड बाय द कंपनी विच आर रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर, इट विल बी पेड इन द करेंट ईयर, एंड करेंट ईयर प्रपोज डिविडेंड विल बी पेड इन द नेक्स्ट ईयर। ओके, सो लेट्स वी नोट डाउन ऑल द ट्रीटमेंट्स, ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द AS4, दैट इज अ प्रपोज डिविडेंड इन योर कॉपी। लेट वी स्टार्ट इट। So first of all, what is the name of the proposed dividend? So please note down in your copy what is proposed dividend. Okay, so the proposed dividend, first of all, what is the name of the AS4? The name of AS4 is contingencies and events, and events occurring after the balance sheet date. Okay, so according to the AS4, the name is contingencies and events occurring after the balance sheet date. It says that proposed dividend will be taken as contingent liabilities, that is, it is shown in notes to account, yani balance sheet pe nahi show karte, notes to account. Isko other words mein hum ye bhi keh sakte hain, it will not appear as short term provision. Okay, it will not appear as short term provision on the liability side of balance sheet. Okay, so this is a brief introduction of the proposed dividend. As you know very well, generally in the question, you know very well, proposed dividend ka hamesha do balance given hota hai. Agar iski treatment ki baat kare, treatment in कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट में ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा? सो बेसिकली दे आर बेसिकली टू वैल्यूज आर गिवन इन द क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रपोज डिविडेंड। द फर्स्ट वैल्यू विच आर रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर, एक वैल्यू जो होगी वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होगी, और एक वैल्यू जो होगी करेंट ईयर से रिलेटेड होगी। यू नो वेरी वेल, जब भी आप कैश फ्लो बना रहे हो तो उसमें जनरली आइटम्स के दो वैल्यू गिवन होते हैं। ओके, सो जो प्रीवियस ईयर की वैल्यू है उसका इफेक्ट दो जगह पड़ेगा। द फर्स्ट इफेक्ट will be added to net profit after tax and extraordinary items, वहां पर add करेंगे। और दूसरा effect होगा previous year में कि इसे deduct किया जाएगा from
cash flow from financing activities से. ओके और रही बात करेंट ईयर की, सो यू नो वेरी वेल करेंट ईयर में हम लोग क्या करेंगे. इन द करेंट ईयर बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट दी, इट विल बी इग्नोर्ड बिकॉज यू नो वेरी वेल करेंट ईयर का जो भी प्रपोज डिविडेंड है उसे हम नेक्स्ट ईयर पे करेंगे. आपको पता है कि जो करेंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है उसे हम करेंट ईयर में नहीं पे करेंगे, नेक्स्ट ईयर में. जिस तरह से प्रीवियस ईयर का कब पे होगा, करेंट ईयर में, और करेंट ईयर का डिविडेंड कब पे होगा, नेक्स्ट ईयर में. सो जो करेंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है इसको हम टोटली इग्नोर करेंगे, इसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे. यानी कि इसको हमें क्या करना है, इग्नोर करना है, इससे कोई लेना देना नहीं. यानी हमें जब भी प्रपोज डिविडेंड का एडजस्टमेंट करना है तो उसका प्रीवियस ईयर की वैल्यू लेना है, एक बार उसे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में ऐड कर देना है, और दूसरा डिडक्ट कर देना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रपोज डिविडेंड AS4. लेट्स बी मूव टू द प्रैक्टिकल क्वेश्चन. So as you can see that on your screen, the illustration number 27, the question number 27, which are already shared by me on the WhatsApp group, the question number 27, the question is, the following are the summarized balance sheet of a company as on 31st March 2018 and 19. Balances share capital 2,50,000, general reserve 50,60,000, statement of profit and loss 30,500, 30,600. नॉन करेंट लाइबिलिटी में है बैंक लोन, ब्रैकेट में लिखा है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट इज अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी विल बी कंसीडर्ड अंडर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. द वैल्यू इज 70,000 एंड जीरो. करेंट ईयर प्रीवियस ईयर पहले दिया है, नेक्स्ट 2019 इज अ करेंट ईयर, 18 इज अ प्रीवियस ईयर, 2019 इज अ करेंट ईयर. क्रेडिटर्स 150, 135, 200. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 30,000, 35,000. The total is 530,500 for previous year, 510,800 is current year. In the asset side, land and building 2,01,90,000, machinery 150, 169, goodwill current year 0 and next previous year 0 and current year is 5,000. So goodwill ki value increase hui. And in current assets, inventory 1,74,000, debtor 80,064,200, cash and cash equivalent, do divide mein kiya gaya isko, ek cash in hand 500 and the next year 600, matlab current year 600. Cash at bank, previous year 0 and current year is 800. The additional information are given as follows. The additional information is during the year into 31st March 2019, final dividend of rupees 23,000 was paid. So final dividend aapka 23,000 rupees aapne pay kiya hai. So ye, it is not a proposed dividend. Yahan par aap dekho na to previous year diya hai na to current year diya hai. इसका मतलब जो आपने डिविडेंड पे किया है इट विल बी टेकन एज द प्रीवियस ईयर वैल्यू. यानी उसी को आप सिंगल ईयर दिया है तो उसी को आप मेड मानेंगे, उसी को आप पेड मानेंगे, जिस तरह से यहां किया गया, एक बार ऐड किया गया, एक बार डिडक्ट किया गया. तो यहां पे जो डिविडेंड दिया है अगर सिंगल वैल्यू दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वहां पर आपको ज्यादा डाउट लेने की जरूरत नहीं है. एसेट्स ऑफ अनदर कंपनी वे परचेस फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 50,000 पेबल इन शेयर. हमने क्या किया है, कंपनी की एसेट्स खरीदी है 50,000 पे करके, और एसेट्स में क्या क्या है, स्टॉक, मशीनरी, स्टॉक फॉर रुपीज 20,000, मशीनरी फॉर रुपीज 25,000, मशीनरी वॉज फर्दर परचेस फॉर रुपीज 8,000, डेप्रिशिएशन रिटर्न ऑफ ऑन मशीनरी 12,000, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 33,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 200 वॉज रिटर्न ऑफ टू जनरल रिजर्व. And you are required to prepare a cash flow statement. आपको क्या बनाना है? You have to prepare the cash flow statement. Okay. So let me start the question. The question is on your screen. Let me move to the solution. So before starting the question, you know very well. First of all, we're talking about the few important points. So, you know very well, before the starting of this question, we have to knowledge about few
few things in your mind. That is the first one. We have to require the cash flow from operating activity, that is a net profit before tax and extraordinary item. So how we will calculate it? So first of all, we write down, that is cash flow statement. Okay, the cash flow statement, and you know very well, in the left side of the quotient, we have to talking about the cash flow statement, and in the right hand side, we are talking about the talking about the working notes. So first working note we have to require under the cash flow statement in the operating activity. In the operating activity, first of all, we have to knowledge about the item net profit before tax and extraordinary items. So how it will be calculated? So uske liye hame kya karna hoga? Working note prepare karna padega. The working note mein, you know very well, the profit according to the quotient, the profit will be a previous year 30,500 and the current year is 30,600. So during the year we have to profit is 100. Okay, so net profit is 100. Profit as per balance sheet, that is 30,600 current year, 30,500 for the previous year. So profit as per balance sheet will be 100. You know very well, इसमें हम कुछ adjustment करते हैं. वो adjustments के क्या क्या नाम है, you know very well. Listen carefully, provision for tax. Is there any tax? Yes, sir. Is there any tax? Is we have to prepare the provision for taxation account, because this question में provision for tax का opening भी दिया है, closing भी दिया है, made दिया है कि paid दिया है, according to the adjustment number 5, income tax provided during the year. So we have to prepare the provision for tax account. So provision for tax account we have to prepare. The first one is a opening balance. Second one is a closing balance. So what is the opening balance of provision for tax? The opening balance of provision for tax is 35, and 5,000 for the current year, and opening balance is 30,000. According to the quotient, we have to provide the provision for taxes. हमने कितना income tax pay किया? That is a 33,000. So you know very well, that is a 68,000, and this is only 30,000. So इसे भी 38 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 68 होना चाहिए कि नहीं होना? होना चाहिए sir. तो कैसे adjust करेंगे? By statement of PL. So this is a made. And this is a paid. So आपने कितना pay किया? 33,000. और कितना made किया? हमने provision for tax during the year made किया. That is a 33,000. Sorry, quotient is already given about the 38. So you have to pay 38,000 and made is 33,000. This is values also given in the quotient, and this will be the paid. You know very well. So हमने provision for tax made कितना किया during the year? मैंने made किया 33,000. उसके बाद you know very well, dividend भी इसमें add करते हैं. So dividend कितना हमने pay किया है during the year? हम लोगों ने dividend pay किया है during the year. That is 23,000 according to the adjustment account. Quotient के according हमने 23,000 रुपए का dividend भी pay किया. अगर आप quotient ध्यान से देख लो तो सारी चीजें clear हो जाएंगी. और उसके बाद जनरल रिजर्व दी है. प्रीवियस ईयर जनरल रिजर्व है 50,000 और करंट ईयर का जनरल रिजर्व है 60,000. सो आपके मन में डाउट आएगा सर कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, यहां से समझिएगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना है? पहले कितना था? 50,000. अब कितना हो गया? 60,000. तो ड्यूरिंग द ईयर हमने कितने का जनरल रिजर्व क्रिएट किया? 10,000 रुपीज का. बट उसमें भी एक एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 6, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 200 वॉज रिटेन ऑफ टू जनरलिज्म. सो इसका मतलब आपने अपने जनरलिज्म में से 200 रुपया लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी का यूज कर लिया है. इसका मतलब आपका जनरलिज्म कम हो गया होगा, क्योंकि यू नो वेरी वेल रिजर्व हम क्यों यूज करते हैं? अपने लॉस को टाइट ऑफ करने के लिए.
सो इसका मतलब आपका जनरल रिजर्व 10,000 है, जिसमें से 200 रुपए हमने लिया है, किस लिए लिया है भाई? हम लोगों ने लिया है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी को राइट ऑफ करने के लिए. सो ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने टोटल जनरल रिजर्व कितना क्रिएट किया होगा? 10,200. इज दैट क्लियर? एज वेल एज, इज देयर एनी काइंड ऑफ एनी थिंग्स? नो. सो दिस इज अ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम. सो द वैल्यू इज 33,023, दैट इज 56, 66, 66, 200, 66, 300. So your net profit before tax and extraordinary item will be a 66,300. उसमें हम लोग उसके बाद क्या करेंगे सर? उसके बाद हम लोग नॉन कैश एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को एड करेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है आपका डेप्रिशिएशन. So we have to knowledge about the depreciation. According to this question, you can see that the adjustment number 4 says that depreciation written off machinery is 12,000. So depreciation of machinery pe kitna hai? 12,000. Okay. As well as you can see that in this question, किस क्वेश्चन में बिल्डिंग के डेप्रिशिएशन के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, तो उस केस में हम लोग करते क्या है? यू नो वेरी वेल, हमने शेयर इशू किया था 50,000 रुपए का, और उसके बदले हमें क्या मिला? एसेट्स मिली. स्टॉक मिला 20,000 रुपए का, मशीनरी मिला 25,000 रुपए का, और मशीनरी को हमने फर्दरली परचेस किया 8,000 रुपीज का. आप अगर एडजस्टमेंट देखो क्लियरफुली, तो हम यहाँ पर इसको रफ कर रहे हैं, एंड उसके बाद हम लोग बनाएंगे, बिकॉज हमें अपने एसेट्स के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमने कितने की एसेट खरीदी है, कितने की बेची है, और उस पर कितना डेप्रिशिएशन चार्ज हुआ है. सो क्वेश्चन के अगर अकॉर्डिंग देखें तो मशीनरी पे डेप्रिशिएशन क्लियरली दिया है, तो आपको मशीनरी अकाउंट भी बनाना पड़ेगा. इसीलिए दैट्स व्हाई आई विल चूज दिस क्वेश्चन इन टुडेज वीडियो, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है? मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 150, क्लोजिंग 169. 150 इज अ ओपनिंग, क्लोजिंग इज 169. एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एडजस्टमेंट नंबर 2, जब हमने शेयर इश्यू किया और उससे एसेट्स खरीदा, तो हमारे पास मशीनरी कितने की आई? 25,000 रुपीज की. इसका मतलब हमने शेयर इश्यू करके 25,000 रुपीज की मशीनरी खरीद ली, और नॉर्मली हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर फिर मशीनरी खरीदी है 8,000 रुपीज की, तो उससे पैसा गया होगा टू बैंक 8,000. सो यू कैन सी दैट आपकी मशीनरी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 150, 25, 175, 175 और 8, 193. बट प्रेजेंटली आपकी वैल्यू कितनी दिख रही है? 169. तो इक्वल होना चाहिए. यस सर, इक्वल होना चाहिए, बट उसकी वैल्यू भी कितनी है? 169. तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी मशीनरी पे डेप्रिशिएशन चार्ज नहीं किया है बाय डेप्रिशिएशन. और उस डेप्रिशिएशन में आपको यह भी याद रहना चाहिए कि आपने, दिस इज अ मशीनरी अकाउंट, सॉरी 150, 25 एंड 8,000, और आपको पता है कि मशीनरी पे आपने डेप्रिशिएशन कितना लगाया है? 12,000. यस सर. और आपको लॉस कितना हुआ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पीएल. लॉस कितना हुआ है? 200, जिसे आपने जनरल रिजर्व से राइट ऑफ किया था. ये सारी चीजें आपको इसीलिए दी गई हैं. सो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज. देखिए, ओपनिंग था मशीनरी का 150, क्लोजिंग था 169, उसमें से 25,000 रुपीज की मैंने मशीनरी क्या की? शेयर के थ्रू परचेस की. 8,000 की मशीनरी हमने परचेस की थ्रू कैश. डेप्रिशिएशन कितना लगाना है? 12,000. लॉस कितना हुआ है सेल पे? 200, बिकॉज क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी इज 200. सो रिमेनिंग वैल्यू विल बी टेकन एज अ सेल, विच हेल्प टू यू व्हाइल यू कैलकुलेटिंग द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करोगे ना, तो वहां ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी. तो कितने का आपने एसेट्स सेल किया? 1800. मशीनरी आपने सेल किया है 18. ये परचेस हो गया एंड दैट इज अ सेल. ओके, यस सर. एज वेल एज
Now this is a machinery account. Let's we move to the paid. पता है ना कितना आया था? 38,000. Account आपने बनाया है तो you know very well. हमने कितने का paid किया है income tax? That is 38,000 rupees का. तो याद रखिएगा 38,000 आपको last में क्या करना है? Deduct करना है. 28. Okay. So let's be move to the next account, that is plant and machinery account. So if we are talking about the plant and machinery account, so इस question में plant and machinery पे depreciation कैसे निकलेगा? तो पहले उसका opening पता कर लो. Plant and machinery का opening कितना है? In this question, plant and machinery has land and building have a opening balance is the opening balance is 2 lakh, closing is 1,90,000. So the 2 lakh in the opening and closing will be a 1,90,000. So hum kya karenge iske baad? Sir, is pe you can see that this land and building ko during there na to purchase kiye hain na to sell kiye. Pura question par dalo, kahin bhi aisa kahin likha hai ki humne land and building itne ka khareeda, itne ka becha? No sir. So, उसका मतलब जो उसका डिफरेंस है, इट विल बी टेकन एज द डेप्रिशिएशन, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिशिएशन लगता है. हाँ, खाली लैंड होता, ओनली लैंड होता, उस पर डेप्रिशिएशन नहीं लगता. डेप्रिशिएशन कितना हो गया? दैट इज डेप्रिशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, दैट इज अ 10,000. ओके, सो दीज आर द टू डेप्रिशिएशन. इसमें ना तो इंटरेस्ट पेड है, कहीं ऐसा क्वेश्चन में लिखा है लोन लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? नहीं गिवन है. क्वेश्चन में आप देखो तो बैंक लोन लॉन्ग टर्म लोन है, बट उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन. एज वेल एज इस क्वेश्चन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि गुडविल राइट ऑफ हो रहा है. गुडविल पहले जीरो था, 5,000 हो गया, इसका मतलब आपने गुडविल परचेस किया है. सो दिस विल बी टेकन एज द परचेस ऑफ गुडविल इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. सो ऑपरेटिंग में और कोई भी इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, सो हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, यानी इसको एड करेंगे एंड वी फाइंड आउट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. दैट इज अ 22 और एड करना है, तो दैट इज 88,300 इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. 88,300, यस. उसके बाद आफ्टर दैट वी हैव टू मूव द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज अ करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटी. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू कैन सी दैट क्रेडिटर इज अ करेंट लाइबिलिटी. क्रेडिटर्स में आप देख लो तो क्रेडिटर्स आपके बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स 150, नाउ 135,200. सो वैल्यू डिक्लाइन हो गई, उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. कितने से डिक्लाइन हो गई? द डिफरेंस इज 14,800. एंड नेक्स्ट वन इज करंट एसेट्स में अगर आप देखो तो इन्वेंट्रीज इज गिवन. इन्वेंट्री, सो इन्वेंट्री में अगर आप देखो, इसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा. इन्वेंट्री के लिए, डेटर के लिए तो सीधे सीधे आप कर लोगे. इन्वेंट्री के लिए क्यों दिमाग लगाना पड़ेगा मैं बताता हूं आपको, ठीक है? देखिए, बेसिकली मैं अगर बात करूं इन्वेंट्रीज एंड डेटर्स के लिए, सो वी कैन से दैट कि डेटर्स में वैल्यू पहले कितनी थी? 80, now 64,200, तो वैल्यू डिक्लाइन हुई, तो डेटर्स को तो ऐड करेंगे. डेटर्स की वैल्यू डिफरेंस कितनी आई? दैट इज 15,800. बट इन्वेंट्रीज के लिए यू नो वेरी वेल, इन्वेंट्रीज में अगर आप देखो तो ओपनिंग था 1 लाख, क्लोजिंग था 74,000. सो डिफरेंस जो है उसमें से 20,000 आपने इन्वेंट्री परचेस की है थ्रू द परचेज ऑफ थ्रू द इशू ऑफ शेयर. यू नो वेरी वेल, आपने उसमें से 20,000 की इन्वेंट्री किससे थ्रू इशू परचेज की है? विद द हेल्प ऑफ द शेयर. सो आपको वहां पे उसका एडजस्टमेंट थोड़ा सा करना पड़ेगा. कैसे करना पड़ेगा? देखिए, बेसिकली basically the opening balance of inventory is 1 lakh. अगर आप यहां working note में देखो तो opening inventory आपकी थी 1 lakh, okay?
और आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया इन्वेंट्री थ्रू शेयर, शेयर की हेल्प से आपने कितने की इन्वेंट्री परचेज की, दैट इज ऑफ 20,000. सो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी हो गई, अब 120 हो गई, नॉट अ 1 लाख. क्या आपने शेयर इशू करके 20,000 की इन्वेंट्री कर दी, और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है आपकी, दैट इज 76,000. तो कंपैरिजन ऐसे होगा, ओपनिंग इज 120, क्लोजिंग इज 76,000. तो इन्वेंट्री की वैल्यू डिक्लाइन हुई, कितनी डिक्लाइन हुई, 120 माइनस 76. और डिक्लाइन में यू नो वेरी वेल हम क्या करते हैं, इन्वेंट्रीज की वैल्यू को एड करते हैं, दैट इज अ 46,000. दैट इज अ 46,000. तो इसको ऐड कर देंगे तो इट विल बी नोन एज द कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. सो आपको कैश कितना जनरेट हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, सो द कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,50,100. 1,50,100. एंड यू नो वेरी वेल आफ्टर डेट वी डिडक्ट द इनकम टैक्स पेड. सो द इनकम टैक्स पेड विल बी अ, according to this question, the income tax paid will be a, according to the account, that is 28,000. So your cash flow from operating activity is 1,07,300. 1 lakh, this is 1,35,300. Sorry for that. 1,35,300 and income tax is 28,000. So your answer is 1,07,300. That is a cash flow from operating activity. क्या किया हमने? First of all, we calculate the net profit before tax. फिर depreciation add किया. 12,000 is this. 10,000 from this. Creditors decreased minus inventory is increased 46,000. How? You can see that. Debtors is also given in the quotient. So your cash generated from operating activity will be a 1,35,300. And after that, we deduct the income tax paid from the cash flow from operating activity. That is a 28,000. And so now your answer will be a 1,07,300 is a cash flow from operating activity. Abhi bhi is quotient mein do activities bachi hain. That is a cash flow from investing activities and cash flow from financing activity. So it will be discussed in the next video. Okay. So I hope today we cleared operating activities of this question is very clearly, as well as the concept of proposed dividend in the cash flow statement. Okay. Thank you. Thanks a lot.